नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक। जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग होने वाली एक तकनीकी इंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फूड आंतरिक परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। पुस्तक मोदी मिराज टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्मत के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारी जल संयंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। ईमेल में बीसीसी क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल कृति मंदिरों का श्रेय किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चालुक्यों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र में देश शासन लागू किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल संवर्धन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। ग्रेट कैनियन किस नदी में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलोराडो नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है
जो स्थित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू में। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा अध्यक्ष में तब तक पद पर रह सकता है जब तक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए तब तक रह सकता है। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या कितना क्या हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति किलो प्रति मिनट। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशन में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काला। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उच्चतम न्यायालय की मूल आधिकारिकता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।